हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसपीटी स्टाइल 24 में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ गुड़ की मूंगफली वाली पट्टी, जैगरी पट्टी, बादाम पट्टी, मूंगफली पट्टी से कई नामों से बोला जाता है। बनाना बहुत इजी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे एक पैन गरम कर लेंगे और यहाँ पे मैंने एक बाउल मूंगफली के दाने लिए हैं और उसे इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमें फ्लेम मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे ये जल जाएंगे। ये रोस्ट हो गए, इसे ट्रांसफर कर लेंगे प्लेट में और इनके पील्स उतार लेंगे। ग्लास की हेल्प से यहाँ पे पील्स उतार के इनको अलग कर दूंगी इस तरीके से। अब यहाँ मैंने जैगरी ले ली है, ये हमारी जैगरी खजूर की है, बहुत टेस्टी बनती है इससे पट्टी। कड़ा इसे पैन में डाल देंगे और इसे मेल्ट करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी इंक्लूड कर देंगे हम और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे इसके बेस में कोई टच ना हो। अब इसमें हम एक चुटकी खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। ये इसलिए डालते हैं, इससे मूंगफली की पट्टी में शाइन बहुत अच्छी आती है, मार्केट जैसी और क्रंची बनती है। अब मैंने यहाँ पे पानी ले लिया और इसको चेक करूंगी कि ये ठीक से बना है कि नहीं। अगर ये टूट जाता है तो ये ठीक से बना है, नहीं टूट रहा अभी। इसे और कुक करेंगे। फिर चेक कर लेती हूँ। ये टूट गया है, ये लगभग हो गया है। थोड़ा सा और कुक कर ले रही हूँ मैं और यहाँ पे अब मैं बादाम को ऐड कर दूंगी। बादाम ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे, सबको आपस में मिला देंगे। और दूसरी साइड मैंने एक प्लेट पे ऑयल लगा के प्लेट पे ग्रीस करके रख लिया है। एक बार और मैं बता रही हूँ, इस तरीके से ग्रीस करना है प्लेट पे। अब इन सबको हम उस प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे जिसे हमने ग्रीस करके रखा है और इसे फैला देंगे प्लेट में। गुड़ ज्यादा होने से खुद ही ऑटोमेटिक फैल जाता है, अगर गुड़ कम रहेगा तो उसे आपको स्पैचुला की हेल्प से फैलाना पड़ेगा। इसे थोड़ा ठंडा होने पर हम चाकू की हेल्प से इसकी कटिंग कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए पूरी तरीके से तो फिर इसको प्लेट से हम निकाल लेंगे। ये ठंडा हो चुका, मैंने निकाल लिया है इस तरीके से। मैं आपको एक उठाकर दिखाती हूँ, बहुत क्रंची बना है, तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, एक बार और तोड़ के दिखा देती हूँ, छोटी वाली बहुत क्रंची है। ये देखिए, बहुत अच्छी बनी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को अपडेट करती रहे। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।